अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे एसडी किचन में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बराबर पहुँच सके। आज हम आपके साथ चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया, आधा चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया, एक प्याली मैंने दही लिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, आधे से कम चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच टिक्का मसाला, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया और आधा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और एक से दो चुटकी मैंने ज़र्दा कलर लिया। चिकन पुलाव के लिए टिक्का हम रेडी करेंगे। पहले चिकन टिक्का के लिए पहले हम इसके अंदर बॉल के अंदर दही ऐड करेंगे। साथ ही हम ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अब मैं इसे रखूंगी नहीं, इसी तरह हम इसको बना लेंगे, फौरन ही चिकन बनाएंगे हम। थोड़ा सा फ्राई पैन मैंने रख लिया, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे हम इसके अंदर, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। अब हम चिकन के पीस उठा के ऐसे रखेंगे। थोड़ा सा हम ये दही इसके अंदर डालेंगे, बाकी हम ये दही वेस्ट नहीं करेंगे, जो इसका मसाला बना हुआ है वेस्ट नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे इसका क्या करना है। अब साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है इसको, तकरीबन आधी प्याली मैंने पानी ऐड किया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि हमारा चिकन भी पक जाए अच्छे से और पानी भी हमारा खुश्क हो जाए इसका। फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब पानी खुश्क हो जाए, चिकन पक जाता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टिक्का हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, चिकन भी हमारा गल चुका है और पानी खुश्क हो चुका है अंदर से। अब हम इसे ऐसे टिक्कों के ऐसे शेप देंगे जब हमसे कोलों पर हमने बनाया हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ टिक्कों की रेसिपी शेयर की गई है, उसको भी आप चेक करेंगे जिस तरह मैंने इसको बनाया टिक्कों को, उसी तरह मैं इसको सेम करूंगी जैसे मैंने कोयलों पे कोयलों की शेप ही दी है, लेकिन कोयलों पे मैंने नहीं बनाया। इस तरह देखिए मैंने रख लिया इस तरह की, आप कोई भी छन्नी वगैरह या कोई इस तरह का ले लेंगे आप इस तरह का। अब इसके ऊपर मैं जो चिकन हमने बनाया वो मैं रखूँगी ताकि वो थोड़ा सा जलेगा तो इस तरह आएगी जैसे हमने सीखों पर बनाया हुआ है। इसी तरह हम सारा चिकन रखेंगे। इसी तरह मैं सारा बना लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा सा इसको करेंगे, इसका कलर देंगे इसको, थोड़ा सा चिकन को ज़्यादा नहीं हमने ब्लैक कर देना सारा चिकन, थोड़ा हल्का हल्का हम कलर देंगे। टिक्का बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम आप वो मेरी रेसिपी देखेंगे, चिकन टिक्का जो मैंने बनाया हुआ रेसिपी मैंने डाली हुई है, सेम आप उसी को फॉलो करेंगे। हम चिकन के लिए, हम चिकन टिक्के के लिए हम पुलाव रेडी करेंगे। चिकन टिक्के पुलाव के लिए हमने एक मैंने मीडियम साइज का प्याज दिया, इसको बारीक काट लेंगे। 1.5 गिलास मैंने चावल लिए, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच मैंने नमक लिया और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। गरम मसाला लिया है मैंने, जिसके अंदर 4 इलायचियाँ मैंने लिया, सब्ज इलायचियाँ, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया, 7 से 8 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं, बादियान के फूल लिए हैं मैंने 2 अदद, 3 से 4 अदद मैंने लौंग लिए, 2 बड़ी इलायचियाँ लिए मैंने, तेज़पात के 3-2 पत्ते लिए मैंने। अब हम पुलाव रेडी करेंगे।
कढ़ाई में रख लिया पुलाव के लिए। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, आधी प्याली मैंने ऑयल ऐड किया इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसे गर्म होने का वेट करेंगे। अब अभी इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारा तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज नरम हो जाए। पानी डालने से एक तो प्याज नरम हो जाता है और प्याज का पानी कलर निकल आता है इसके साथ पानी डालने से इस वक्त। अब हम इसके अंदर ये अपने गरम मसाले ये सारे ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इन्हें पकाएंगे। जब मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भून चुके होते हैं। अब हमने जो टिक्का बनाया था उसके लिए जो हमने दही वगैरह मसाले वगैरह ऐड किए थे उसके अंदर अब ये टिक्का मसाला जो हमने बचा कर रखा था ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये हम यखनी पुलाव नहीं बना रहे, डिफरेंट तरीके से हम पुलाव बना रहे हैं। अब इसी बर्तन के अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यह हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तकरीबन आधा ग्लास मेरा इस वक्त पानी गया है इसके अंदर। पानी हम उसी हिसाब से डालेंगे। अभी से इसके अंदर से बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये मसाला भी मैंने अच्छे से भून लिया। मैंने डेढ़ गिलास चावल लिए हैं। अगर आपका एक गिलास है तो आप डेढ़ गिलास चावल पानी डालेंगे इसके अंदर। और मेरा डेढ़ गिलास चावल मैंने लिए हैं उसके लिए मैंने ढाई गिलास पानी डालना है। आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर इसलिए हम आधा गिलास कम पानी डालेंगे। दो गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब हम पानी बॉयल आने का वेट करेंगे। अब इसके अंदर पानी के अंदर एक आधा चम्मच मैंने नमक डाला है और आधा ही चम्मच गरम मसाला हम ऐड करेंगे। नमक आप चेक कर लेंगे। पानी बॉयल आता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने अभी हाई रखी हुई है। एक से दो मिनट के लिए मैं इसको कवर करूंगी। फिर हम इसका पानी वैसे कवर करने के बगैर उसका खुश करेंगे थोड़ा सा। दो मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया था। पानी इसके अंदर से तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखेंगे। इस तरह आप चिकन के पीस रख देंगे।
अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम दूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम इसके ऊपर फॉइल रखेंगे। थोड़ा सा कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर और फौरन से हम इसका कवर करेंगे। इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैं इसको कवर करूंगी ताकि इसके अंदर कोयले का टेस्ट आ जाए। पाव बनकर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे ट्रे में सर्व करेंगे। माशाल्लाह से चिकन टिक्का बन गया, बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल में, बिल्कुल यखनी पुलाव से बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाया हमने। गेस्ट वगैरह आ जाएं तो आप इस तरह बनाएं, उनको दें। बिल्कुल एक हटके की रेसिपी है ये। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक बर्बाद पहुँच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।